हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड किचन विद मी। और देखिए, शाम का टाइम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम है। ऐसे में शाम की चाय के साथ अगर गर्मा गर्म पकौड़े हो जाए, ब्रेड पकौड़े, तो मज़ा आ जाए। लेकिन बहुत से लोग ऑयल अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम ब्रेड को कुछ डिफरेंट स्टाइल में आज बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड पकौड़ा बनाना दो बूंद ऑयल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डालेंगे बेसन, और मिलाएंगे आलू, उबले हुए मैश किए हुए आलू, गरम पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, और थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। जितना कड़वा आप खाना चाहें उतना मिर्च डालें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, वरना जो है पेस्ट पतला हो जाएगा। देखिए इस तरह का पेस्ट हमने बनाकर रेडी कर लिया है। और हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड के चारों साइड आप काटना चाहें तो काट के अलग कर दीजिए, पर हम इसको अलग नहीं कर रहे हैं, इसको इसमें पीस करके सेकना है। देखिए इस तरह का पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अब हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड के चारों साइड ब्राउन हिस्सा आप काटना चाहें तो काट कर अलग कर लें, लेकिन हम इसे नहीं काट रहे हैं, इसको इसमें डीप करके फिर तावे पर सेकना है। चलिए सेकते हैं। तावा हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसको लगाएंगे ऑयल। इस खोल में ऐसे ब्रेड को डीप करेंगे अच्छे से, और इस ब्रेड को ऐसे डीप करके तावे पर इसे सेकेंगे। ऐसे ही दूसरी ब्रेड को ऐसे इसमें डुबाएंगे और ऐसे तावे पर एक साथ जितनी ब्रेड आ सके आप उतनी ब्रेड एक साथ सेक सकते हैं। इस साइड से ब्रेड सिक गई है, मैंने ब्रेडों को पलट लिया है। आप चाहें तो चारों तरफ ऑयल डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सेक सकते हैं। इसी तरह से हम सारी ब्रेडों को सेक लेंगे। ये देखिए, चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनकर रेडी हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।